ब्रह्म स्वरूपों पूजनीय भारत माता। एक जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है नया तो उसको किसी न किसी एक सहयोग की आवश्यकता होती है, और मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि दूसरा स्थान ऐसा है कि आपके आदरणीय प्रधानाचार्य का मुझे सहयोग मिल रहा है। इसके पहले प्रयागराजाचार्य होकर के गए, ये पहले से वहां थे। दोबारा फिर ऐसा संयोग मिला है कि आप यहाँ कादीपुर में प्रधानाचार्य हैं और मैं भी प्रधानाचार्य बनकर के यहाँ आया हूँ। तो आदरणीय प्रधानाचार्य सहयोगी आचार्य, हम सबको पता है हम सब लोग एक विशेष प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हैं, अनेकों विद्यालय देश में चलते हैं, लेकिन अपने विद्यालय की गिनती एक विशेष प्रकार के विद्यालय में होती है। उसके पीछे जो मेरा अनुभव है अभी तक का कारण, उसके पीछे दो कारण है। एक, अपने विद्यालय का जो अनुशासन होता है वो अच्छा होता है। दूसरे, अपने विद्यालय के पढ़ने वाले भैया बहन जब यहाँ से पढ़ लेकर के भी निकल जाते हैं, उनके जीवन में इस विद्यालय का एक संस्कार दिखाई पड़ता है। जब वो नौकरी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन एक संस्कार दिखता है। इसका प्रभाव अभी दिखता है। वर्तमान सरकार में अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो उनके प्रमुख सचिव होते हैं, जो भी विद्या भारती से पढ़ करके भैया बहन आईएएस, कोई आईजी होगा, डीआईजी होगा, ऐसे पदों पर यदि कोई विद्या भारती का पढ़ा हुआ छात्र है तो विशेष नियुक्ति उसकी हो रही। उसके पीछे केवल एक कारण है भैया बहनों, जो हमारा संस्कार, हम अपने नियम के पक्के होते हैं। जो विद्यालय का नियम होता है उसका पालन करते हैं, जो विद्यालय का अनुशासन होता है उसका पालन करते हैं। इसलिए अपने इस विद्या भारती निश्चित रूप से योग्य निकलते हैं। हम लोगों की बैठक होती है, अधिकारी अपने जो आते हैं वरिष्ठ, वो कहते हैं लोग दूसरे विद्यालय के लोग लिखते हैं कितने आईएएस निकाले, कितने पीसीएस निकाले, लेकिन विद्या भारती के विद्यालय का लक्ष्य होता है एक योग्य नागरिक बनाए। अपना लक्ष्य कहीं होगा उसमें देखेंगे, उसमें ऐसे ही व्यक्ति के निर्माण की बात की गई। आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर इनके निर्माण की बात नहीं। तो आप सबसे एक आग्रह हम तो करते हैं, आपने आपको केवल आप अच्छा बनाइए, सभी भैया बहन अच्छे निकले, यहां से जब आप अच्छे पढ़ करके निकलेंगे, अच्छे पदों पे जाएंगे, हम लोगों का अपने आप नाम होता। और एक आचार्य के लिए, एक शिक्षक के लिए उसका जो पढ़ने वाला शिष्य है वो महान बन जाए, यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। उसी में हम सब लोगों की महानता होती है। एक बार आप लोगों से आग्रह, अपनी पढ़ाई को ठीक करिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा नाम करेंगे वो अच्छा होगा। वैसे हमको लगता है कादीपुर का विद्या मंदिर जो सुनने में आता सबसे अच्छा, शिशु मंदिर भी कभी अच्छा था, इधर